नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बेंगलुरु कर्नाटक सीरवी प्रीमियर लीग KSPL सीजन 2 का खिलाड़ियों की नीलामी का आयोजन शनिवार को सीरवी समाज HSR लेआउट भवन में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सीरवी समाज ट्रस्ट HSR लेआउट वडेर के सचिव लक्ष्मण राम आगलेचा, आयोजक रतन लाल काग, राकेश राठौर की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित से हुआ। रतन लाल काग ने बताया कि प्रतिवर्ष होने वाली क्रिकेट प्रतियोगिता कर्नाटक सीरवी प्रीमियर KSPL लीग सीजन 2 कप का आयोजन दिनांक 13 दिसंबर 2023 बुधवार को सचिन तेंदुलकर ग्राउंड मैदान में होने जा रहा है। इस प्रतियोगिता में कुल 16 टीमें भाग लेंगी, जिसमें 240 खिलाड़ी खेलेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोमना हल्ली क्षेत्र के विधायक सतीश रेड्डी, सुरेश सेनचा, बाबूलाल पवार, दुर्गाराम चार्टर्ड अकाउंटेंट जगदीश एवं वडेर के सचिव लक्ष्मण राम आगलेचा का माला साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक सतीश रेड्डी ने कहा कि युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा देते हुए उन्होंने कहा कि अपना कौशल दिखाने को मिले, इस अवसर पर अपनी प्रतिभा के साथ खेल भावना का प्रदर्शन भी नितांत आवश्यक है। आज कर्नाटका सीरवी प्रीमियर लीग सीजन 2 का शुभारंभ हुआ है और ऑक्शन प्लेयर्स के ऑक्शन आज HSR लेआउट बडेर में बहुत अच्छे से युवा टीम ने बहुत अच्छी मेहनत करके इस बार टूर्नामेंट की गरिमा बढ़ाई है। समझ सीरवी समाज के कर्नाटका के प्लेयर इसमें भाग लेंगे। ये टूर्नामेंट लगभग मिड दिसंबर में चालू होगा सचिन तेंदुलकर स्टेडियम में। तो समस्त युवा संगठन टीम और क्रिकेट प्रेमियों को आह्वान करते हैं कि जिसको भी ये टूर्नामेंट देखना है, हालांकि ऑक्शन तो चालू हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, प्लेयर लोग भी काफ़ी अच्छे रेट्स में गए हैं और समाज का ये बहुत अच्छा स्टेप है कि आने वाले टाइम में खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलेगा और एक दूसरे को समझने में समाज ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इसमें। तो सभी HSR लेआउट और समस्त कर्नाटका प्रीमियर लीग वालों को बहुत बहुत